शंकर पीछे, शंकर पीछे, सोनू पीछे। ऐसा जी राइट में देखिए, राइट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। शंकर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा जी इधर आइए, ऐसा जी इधर आइए, कार्पेट पे, कार्पेट पे। ऐसा जी आइए इधर ही, बस 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 इधर ही। यहाँ पे सामने, मुझे शर्म। ऐसा जी यहाँ पे, ऐसा जी राइट में देखिए, यहाँ पे देखिए ना। ऐसा जी इधर भी, इधर आपके लेफ्ट में। आज के वीडियो में आपको विकी जैन का आयशा को इनअप्रोप्रिएटली टच करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस सीजन अपने फिनाले को पहुंच रहा है और जहां बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज है, वहीं पर विकी जैन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। विकी जैन सारी अटेंशन अपनी तरफ खींचते ही रहते हैं और वो हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण वो न्यूज में छाए रहते हैं। विकी जैन और अंकिता लोखंडे की बात करें तो दोनों के रिलेशनशिप को लेकर जहाँ बहुत ज्यादा चर्चा है और दोनों की डाइवोर्स की न्यूज भी काफी ज्यादा इन रहती है। दोनों घर में एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे से नफरत बहुत बढ़ चुकी है और अंकिता रिसेंटली विकी से डाइवोर्स लेने की बात भी कर चुकी हैं। ऐसे में विकी जैन और आयशा की एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विकी जैन आयशा को देखकर उसके पास जाकर बैठते हैं, बात करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं और ये सब आयशा के फेस से भी जाहिर हो रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगता। विकी जैन इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी लड़कियों के साथ इस तरह से कर चुके हैं और जैसे ही उनकी ये वीडियो सामने आई, नेटिजन्स उन पर काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं और उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नेटिजन्स विकी के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और जितना प्यार उन्हें मिल रहा था अब उन्हें उतना ही गुस्सा मिल रहा है। विकी जैन के इस बिहेवियर पर नेटिजन्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि वो अंकिता को तो इतनी अटेंशन नहीं देते हैं जबकि बाकी लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस तरह के फ्लर्ट्स करते रहते हैं। आइए आप भी डालिए कॉमेंट्स पर कुछ नज़र। और बताइए कि आप विकी जैन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विकी जैन रेड फ्लैग हैं और वो अंकिता के साथ रहने के काबिल नहीं? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।